वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के टाइप टू पर डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप वन पर डिस्कस किया था, जिसमें जैसे मेरे पास अगर था कॉस थीटा इक्वल टू जीरो है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू जीरो है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू जीरो है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा। इस तरह से हम लोग जो जीरो वैल्यू था उस पर हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम जीरो के अलावा अदर एनी वैल्यू के लिए जैसे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप टू पर देखते हैं, आज हम लोग जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन फंक्शंस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमारे रेगुलर सारे वीडियो को देखना पड़ेगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर टाइप टू में जो है मेरे पास जनरल सॉल्यूशंस ऑफ साइन फंक्शंस है ना, तो साइन फंक्शंस है, साइन फंक्शंस पर देखते हैं। जैसे ये अगर मेरे पास क्वेश्चन रहेगा, अगर मेरे पास ये रहेगा साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू, ठीक है, तो मेरे पास क्या होता है, वन बाई टू साइन में किसका आता है वैल्यू, पाई बाई सिक्स का। यानी हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई सिक्स, लिस्ट वैल्यू है ना, ये पाई बाई सिक्स मीन्स क्या हो गया, ये हो गया ये 30 डिग्री। ठीक है, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, वन बाई टू होता है ना, तो इसीलिए पाई बाई सिक्स लिख दिए। और भी हम कितने तरीके से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो पाई टू पाई और पाई, पाई के केस पर क्या होता है, प्लस माइनस में साइन का फंक्शन साइन ही रहता है, नो चेंज होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई सिक्स, पाई माइनस पाई बाई सिक्स ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो साइन का क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू ही होता है, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लाना है ना हमको। ठीक है, और यहाँ पर जो है मेरे पास क्या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस पाई बाई सिक्स, 2n पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं ना, आ रहा कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और भी हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये 3 पाई यहाँ पर हो रहा है, जैसे ये हो गया पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, फिर रिटर्न आया तो 3 पाई हुआ ना, तो 3 पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी 3 पाई माइनस पाई बाई सिक्स भी लिख सकते हैं। इस तरह से सो ऑन हम लिख सकते हैं और भी। ठीक है, तो यहाँ पर आ क्या रहा है मेरे पास, ये साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन पाई बाई सिक्स, ये हो गया मेरे पास, ये एलसीएम लेके करेंगे तो 5 पाई बाई सिक्स आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन 12 पाई प्लस पाई, दैट इज क्या हो जा रहा है मेरे पास, 13 पाई बाई सिक्स। इसी तरह से ये क्या आ जा रहा है, 17 पाई बाई सिक्स। तो इस तरह से मेरे पास साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जा रहा है, अगर साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई टू है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जा रहा है, साइन पाई बाई सिक्स, साइन पाई 5 पाई बाई सिक्स, साइन 13 पाई बाई सिक्स, साइन 17 पाई बाई सिक्स, इस तरह से आ रहा है मेरे पास। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, पाई बाई सिक्स, फाइव पाई बाई सिक्स, थर्टीन पाई बाई सिक्स, सेवनटीन पाई बाई सिक्स, एंड सो ऑन, इस तरह से चलते रहेगा। ठीक है, तो ये जो मेरे पास आया यही सब क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। तो इसको एक जनरल फॉर्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे, इस तरह से हम बारी बारी से पुटअप करते रहेंगे तो बहुत सारा पुटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एग्जैक्ट फॉर्मूला हमको निकालना है जिसमें हम किसी भी वैल्यू को साइन का पुटअप करेंगे तो मेरे पास ये सब वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू ले लेते हैं साइन अल्फा। ठीक है, मेरे पास जो है यहाँ पर जैसे साइन थीटा इक्वल टू आ गया मेरे पास साइन पाई बाई सिक्स, तो अल्फा के प्लेस पर यहाँ पर पाई बाई सिक्स हो गया। ठीक है, तो जो भी वैल्यू रहेगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा ले लेते हैं, साइन अल्फा को इधर ले आए तो क्या हो गया, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू जीरो। अब साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या होता है, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू इक्वल, ठीक है, इक्वल टू यहां पर जीरो है तो जीरो लगा दिए। तो ये जो मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया क्या, यहां पर मेरे पास टू तो जीरो हो नहीं सकता है, तो मेरे पास जीरो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई टू इक्वल टू जीरो होगा, या फिर साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू जीरो होगा, ये दो केस हो सकता है। तो अब बारी बारी से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई टू दैट इज इक्वल टू जीरो, तो थीटा प्लस अल्फा बाई टू इक्वल टू क्या हो जा रहा है मेरे पास, टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। अब ये कहाँ से आया, ठीक है स्टूडेंट, इसका प्रीवियस वीडियो में टाइप वन पर हम बताए थे, इफ कॉस थीटा इक्वल टू जीरो होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, जीरो है ना, ये कॉस थीटा, ये थीटा के प्लेस पर है और ये जीरो है, तो ये क्या होता है मेरे पास, थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, यानी ये थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा प्लस अल्फा बाई टू दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। ठीक है, इस फॉर्मूला से आ गया मेरे पास। तो ये जो हो गया मेरे पास, इसको सॉल्व करते, टू टू कैंसिल आउट हो गया डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया मेरे पास थीटा प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, टू एन प्लस वन इंटू पाई, इसको इक्वेशन वन ले लेते हैं। ठीक है, एक अनदर केस है मेरे पास, क्या है, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू जीरो है। ठीक है,
तो इसको अभी लिखते हैं, यहाँ पर क्या है मेरे पास, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू जीरो, ये भी हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू जीरो है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन पाई, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा के प्लस पर क्या है मेरे पास, थीटा माइनस अल्फा बाई टू है, ठीक है, इक्वल टू जीरो है। तो थीटा माइनस अल्फा बाई टू दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई, क्योंकि थीटा के प्लस पर ये है, थीटा इक्वल टू हो गया एन पाई, ये हो गया। अब जो मेरे पास ये टू जो है डिनोमिनेटर में इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू टू एन पाई, ठीक है। तो अब जो मेरे पास इसको हम फिर से लिखते हैं, यहाँ पर मेरे पास जो है एक साथ लिख लेते हैं, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या है मेरे पास, टू एन प्लस वन इंटू पाई, तो उसी को लिखे हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू एन प्लस वन इंटू पाई माइनस अल्फा, ठीक है। और ये जो है थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या, टू एन पाई है ना, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एन पाई प्लस अल्फा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास दो तरह का केस निकल के आ रहा, थीटा का वैल्यू दो तरह से आ रहा, थीटा आ रहा है मेरे पास टू एन प्लस वन इंटू पाई माइनस अल्फा, ठीक है। इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई आएगा, यहाँ पर अगर हम एन का वैल्यू वन भी पुट करते हैं तो क्या होगा, टू इंटू वन प्लस वन यानी थ्री पाई हो जा रहा है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर हम कुछ भी बैठाते हैं, टू ही बैठाते हैं, टू बैठाते हैं तो क्या होगा, टू इंटू टू प्लस वन फाइव पाई, क्या हो रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। उसी तरह से हम मान लेते हैं कुछ और बैठा के देखते हैं, यहाँ पर ऑड नंबर ही लेके देखते हैं, थ्री लेके देखते हैं तो टू इंटू थ्री कितना होगा, सिक्स प्लस वन सेवन पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो रहा है ना। तो दो तरह, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का केस आ गया, और इसमें हम पुटअप करके देखते हैं, वन पुटअप करते हैं तो क्या हो जा रहा है मेरे पास, टू इंटू वन प्लस पाई टू पाई हो रहा है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो रहा है ना। उसी तरह से कुछ भी बैठा के देखते हैं, सेवन बैठा के देखते हैं, टू इंटू सेवन फोर्टीन पाई प्लस अल्फा, ये हो रहा है मेरे पास। तो फोर्टीन पाई क्या हो रहा है मेरे पास, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो दो तरह का केस आ रहा है मेरे पास, एक आ जा रहा है जिसमें आ रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, और एक में मेरे पास क्या आ रहा है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है। तो इसको हमको एक फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, हमको ऐसा फॉर्मूला बनाना है जनरल सॉल्यूशन का कि किसी भी वैल्यू को उसमें पुटअप करेंगे तो ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, यानी ऑड मल्टीपल का भी वैल्यू आ जाए और इवन मल्टीपल का भी वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है, ऐड नहीं करना, दोनों क्या करना है, मर्ज करना। तो उसको मर्ज कैसे करेंगे, तो ऐसे इस तरह से हमको लिखना है कि दोनों मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो वहां पर देखते हैं, यहां पर अगर हम इस तरह से लिखते हैं, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन इंटू अल्फा, ठीक है, ये जो है, ये जो माइनस है अगर ऑड मल्टीपल रहेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा, इवन मल्टीपल रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, अगर मेरे पास एन का वैल्यू वन रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस वन ही आएगा, यानी प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा। अगर मेरे पास एन का वैल्यू टू रहेगा, माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास एन का वैल्यू थ्री रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल में आएगा तो यहाँ पर माइनस आएगा ना, ये समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो इस तरह से आएगा, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, तो मेरे पास अभी क्या आ गया, मेरे पास थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू अल्फा, वेर एन बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर्स। अभी हम मर्ज करके इसको लिखे हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। तो एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू है वन बाई टू, ठीक है, जो हम यहाँ पर फाइंड कर चुके थे, ठीक है। तो इससे भी हम मिलाते हैं, ये जो जनरल सॉल्यूशन आ रहा है ये भी आ रहा है कि नहीं, ठीक है, दोनों पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा, और मेरे पास ये जो इवन और ऑड मल्टीपल है दोनों को हम पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास ये आ गया साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू, तो साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू किसका होता है, लीस्ट वैल्यू जो होता है उसका, साइन पाई बाई सिक्स का, साइन थर्टी डिग्री का होता है, यानी अल्फा के प्लेस पर क्या है मेरे पास, पाई बाई सिक्स है, ठीक है। अब हम ऑड इवन पुटअप करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं एन इक्वल टू वन लेते हैं ऑड के केस पर, ठीक है, एन इक्वल टू वन लेते हैं, यहाँ फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ पर जो है मेरे पास थीटा इक्वल टू क्या है, अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा इक्वल टू क्या है मेरे पास, एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन इंटू अल्फा है ना। तो यहाँ पर एन के प्लेस पर क्या लिए हैं, वन लिए, ठीक है, तो एन के प्लेस पर वन पुटअप करते हैं तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया इस केस पर, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, वन इंटू पाई प्लस माइनस वन टू द पावर वन इंटू क्या हो जाएगा, थीटा अल्फा के प्लेस पर क्या है, पाई बाई सिक्स, तो इंटू पाई बाई सिक्स हो गया। बस इसी में पुटअप किए, अल्फा का वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दिए, ठीक है, और एन का वैल्यू वन ले ली ऑड के केस पर। तो ऑड के केस पर मेरे पास क्या आ जा रहा है, पाई माइनस, ये हो गया पाई, ये माइनस हो गया पाई बाई सिक्स, इसको सॉल्व करते तो क्या आ जा रहा है, फाइव पाई बाई सिक्स। तो एन इक्वल टू वन पर क्या है मेरे पास, फाइव पाई बाई सिक्स, पहले हम निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। और ये अगर एन इक्वल टू हम जीरो लेते हैं, इवेन लेते हैं, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन पाई मीन्स जीरो इंटू पाई
प्लस माइनस वन का पावर जीरो इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास पाई बाई सिक्स अल्फा आई है तो ये क्या हो गया जीरो हो गया। जीरो का किसी भी नंबर का पावर में अगर एक्सपोनेंट में जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है वन होता है तो वन इंटू पाई बाई सिक्स दैट इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स तो एन इक्वल टू जीरो का क्या है मेरे पास पाई बाई सिक्स है ना। उसी तरह से देखते हैं एन इक्वल टू टू है एन इक्वल टू टू क्या है इवेन नंबर है ना तो यहाँ पर क्या आ गया थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टू पाई प्लस माइनस वन का पावर टू इंटू पाई बाई सिक्स। ये फॉर्मूला पर इसी फॉर्मूला पर हम पुटअप किए सभी को ठीक है एन के प्लस पर टू पुटअप कर दिए हैं और अल्फा के प्लस पर पाई बाई सिक्स तो ये मेरे पास निकल के क्या आ रहा है टू पाई ये पावर में क्या है मेरे पास टू है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा टू पाई प्लस पाई बाई सिक्स तो ये सॉल्व करके आ रहा है थर्टीन पाई बाई सिक्स। उसी तरह से एन इक्वल टू थ्री भी लेके देखते हैं एन इक्वल टू थ्री क्या है ऑड है तो ये मेरे पास क्या गया थ्री पाई प्लस माइनस वन का पावर थ्री इंटू पाई बाई सिक्स फॉर्मूला उसी पर पुटअप किए हैं तो कितना हो जा रहा है थ्री पाई माइनस पाई बाई सिक्स ये सॉल्व करके आ रहा है मेरे पास सेवनटीन पाई बाई सिक्स ये आ रहा है मेरे पास तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास पाई बाई सिक्स ठीक है फर्स्ट में ये जो आ गया मेरे पास पाई बाई सिक्स आ गया मेरे पास यहाँ पर पाई बाई सिक्स आया फिर आया फाइव पाई बाई सिक्स फिर थर्टीन पाई बाई सिक्स सेवनटीन पाई बाई सिक्स एंड सो ऑन इस तरह से चलते रहेगा जैसे जैसे हम एन का वैल्यू बढ़ाएंगे वो थीटा का वैल्यू भी क्या आएगा बढ़ते रहेगा तो ठीक है तो यही तो है मेरे पास ये जो है पाई बाई सिक्स फाइव पाई बाई सिक्स थर्टीन पाई बाई सिक्स सेवनटीन पाई बाई सिक्स इस तरह से आ रहा है ना ठीक है। तो इसको जनरल फॉर्म में हम किस तरह से लिख सकते हैं इतना तो बार बार हम सभी वैल्यू को नहीं ना लिख सकते ठीक है तो यहाँ पर क्या करेंगे साइन थीटा अगर मेरे पास वन बाई टू आया है ठीक है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया पाई बाई सिक्स तो उस केस पर जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया मेरे पास थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन इंटू पाई बाई सिक्स इसी पर तो वैल्यू पुटअप किया ना तो इसी पर वैल्यू पुटअप किए तो ये सब वैल्यू आया कि नहीं ठीक है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन इंटू पाई बाई सिक्स तो फॉर्मूला को लिख देना है और जो मेरे पास जो है अल्फा का वैल्यू है उसको यहाँ पर पुटअप कर देना यही जनरल सॉल्यूशन होता है ठीक है। इतना हमको नहीं लिखना है ये तो हम समझाने के लिए बताएं सभी को निकाल के ठीक है। आप देखो यहाँ पर इसको भी हम प्रूफ करके यहाँ पर दिखा देते हैं ये जो आया है मेरे पास थीटा इक्वल टू है टू एन पाई प्लस पाई माइनस अल्फा क्या रहेगा जब ऑड मल्टीपल सब पाई आएगा ठीक है। अब मेरे पास क्या आ जाएगा थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस अल्फा कब आता है जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं एन इक्वल टू जीरो ऑड इवन दोनों होता है तो हम यहाँ पर इवन के केस पर देखते हैं किसी पर भी पुट करके देख सकते हैं तो हम यहाँ पर इवन के केस पर पुट करके देखते हैं तो आ रहा है मेरे पास थीटा इक्वल टू जीरो इंटू पाई प्लस माइनस वन टू द पावर जीरो इंटू पाई बाई सिक्स दैट इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो प्लस वन इंटू पाई बाई सिक्स दैट इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स। हम ऑड के भी केस पर देखेंगे तो वही वैल्यू आएगा तो ऑड के लिए क्या है मेरे पास ऑड के लिए है मेरे पास यहाँ पर जो है क्या है थीटा इक्वल टू है ऑड के लिए हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या है टू एन प्लस वन इंटू पाई माइनस अल्फा है ना। इसको हम यहाँ से चेकआउट करके देखते हैं इसमें से ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास ये जो है एन इक्वल टू क्या है वन ये क्या है ऑड है ना। इस पर हम अप्लाई करके देखते हैं ये जो आया है मेरे पास तो ये कितना आ गया एन इक्वल टू वन पर थीटा का वैल्यू कितना है फाइव पाई बाई सिक्स है ना जिसमें पाई बाई सिक्स क्या है अल्फा है ठीक है। तो इसको हम इस तरह से पुटअप करके देखते हैं एन इक्वल टू क्या है वन है इस पर हम पुटअप करते हैं टू इंटू वन प्लस वन ये हो गया इंटू हो गया पाई माइनस अल्फा मीन्स पाई बाई सिक्स। अब इसको हम सॉल्व करके देखें ये कितना आ रहा है टू इंटू वन प्लस वन कितना हो रहा है थ्री पाई माइनस पाई बाई सिक्स ये हो जा रहा है तो ये यहाँ पर कितना हो रहा है छत्तीस अट्ठारह हो रहा है एट्टीन माइनस पाई यानी एट्टीन पाई माइनस पाई कितना हो रहा है सेवनटीन पाई बाई सिक्स हो रहा है यही ना ठीक है। यानी ये जो मेरे पास आ गया यहाँ पर आ गया कितना सेवनटीन पाई बाई सिक्स ठीक है। अब हमको लाना कितना है फाइव पाई बाई सिक्स क्या ये इसके इक्वल है तो यहाँ पर देख लेते हैं ये जो है मेरे पास यहाँ पर देखते हैं ये आ गया मेरे पास साइन जो आ गया मेरे पास साइन थीटा कितना आ गया साइन 17 पाई बाई सिक्स ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन 6 इंटू टू पाई प्लस फाइव पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं इसको ठीक है क्योंकि ये कितना हो रहा है 2 इंटू सिक्स इंटू टू ट्वेल्व पाई हो रहा है प्लस फाइव पाई कितना हो रहा है 17 पाई ही तो हो रहा है ना बाई सिक्स हो रहा है ठीक है। तो इसको अगर हम इस तरह से फिर इसको हम लिखते हैं तो साइन टू पाई प्लस फाइव पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं क्योंकि ये अगर एलसीएम लेंगे तो वही तो आ रहा है सिक्स इंटू टू पाई प्लस फाइव पाई बाई सिक्स आ रहा है ना। अब ये क्या आ गया साइन टू पाई प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा साइन फाइव पाई बाई
सिक्स, यानी थीटा इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 5π/6। ठीक है, तो यानी ये क्या आ गया, ऑड के केस पर इस फॉर्म में मेरे पास आ जा रहा वैल्यू। एक इवन का केस का देख लेते हैं स्टूडेंट, एक बार हम लेते हैं जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा। ठीक है, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या है, एन इक्वल टू अगर 2 है तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो गया ये पाई के केस पर। ठीक है, तो फॉर्मूला पर अगर हम पुटअप किए तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 13π/6। ठीक है, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई में मेरे पास क्या है, थीटा इक्वल टू 2nπ+α। इस फॉर्मूला पर भी देखते हैं मेरे पास ये आ रहा है कि नहीं। ठीक है, एन इक्वल टू हम 2 पुटअप किए तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 2 × 2 + π हो जाएगा, ये 2 × 2π + π/6, अल्फा के प्लस पर पाई बाई सिक्स है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जा रहा है, साइन हो जा रहा है मेरे पास 2 × 2π, यानी साइन 4π + π/6। ठीक है, इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास क्या हो जा रहा है, साइन 4π + π/6 हो जा रहा है। ये चीज़ आ गया, इसको अगर हम ऐड कर देते तो कितना आ रहा है 24π + π/6। हमको यहाँ पर चेकआउट करना है कि ये 13π/6 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर हम उस फॉर्मूला से हम पुटअप किए हैं जनरल सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला से, ठीक है, जिसमें मर्ज करके हम दोनों फॉर्मूला को निकाले हैं कि सभी के लिए इसी में आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग में मेरे पास कितना आया 13π/6। अब हम इसके अकॉर्डिंग में देखते हैं इस पर, ठीक है, इवन के केस पर, इस पर भी मेरे पास वही वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो आ गया मेरे पास कितना आ गया 25π/6, अभी तो ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास हम क्या, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 25π/6 को 2π + 13π/6, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके तो कितना रहा है 12π + 13π/6, दैट इज इक्वल टू 25π/6। अब ये साइन पर जो लगेगा, क्योंकि मेरे पास साइन पर ही है, ठीक है, हम यहाँ पर साइन को नहीं लिखे, प्लस का हम इसलिए, तो यहाँ पर क्या है, साइन हो गया ये 2nπ + थीटा। क्या होता है, साइन 2nπ + थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, यानी ये क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया 13π/6। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 13π/6। तो वही तो वैल्यू है मेरे पास इवन के केस पर। अगर उस फॉर्मूला से भी हम पुटअप करते हैं तो क्या आ रहा है मेरे पास 13π/6। अगर हम ये, यानी कहने का मतलब हो गया, इस फॉर्मूला से भी पुटअप कर रहे हैं इक्वल टू 2 पर तो क्या आ रहा है 13π/6। इस फॉर्मूला से भी पुटअप कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 13π/6। दोनों केस में क्या आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है। तो यानी ये दोनों के जगह प्लेस पर हम इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं मर्ज करके, ऑड के केस पर भी देखें, इवन के केस पर भी देखें, तो दोनों में क्या आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरे पास अब हम लिख सकते हैं, ये जो अगर साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन पाई बाई सिक्स, क्योंकि इसका लिस्ट वैल्यू को लिखा जाता है। 1/2 जो है साइन के केस पर कितना का वैल्यू आता है, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री दैट मीन्स साइन पाई बाई सिक्स। तो यहाँ पर अल्फा के प्लेस पर क्या आ गया मेरे पास, जैसे मेरे पास क्वेश्चन में क्या था, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा था, तो थीटा इक्वल टू क्या था, (n π - -1)(n)(n) ये क्या था मेरे पास, अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास साइन थीटा इक्वल टू 1/2 यानी साइन थीटा इक्वल टू पाई बाई सिक्स, देन क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू (n π - -1)(n)(π/6) विच इज जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो हमको इस तरह से फाइंड करना है। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू रहेगा, हम अल्फा निकाल लेंगे इस तरह से, और इतना लिखना, ज़्यादा हमको नहीं लिखना, ये हम समझाने के लिए इसको हम सभी से निकाल के हम दिखा दिया, दोनों तरीके से दिखा दिए। ठीक है, ये वैल्यू को अभी मैच कर दिए इसमें से, ठीक है, कि वैल्यू आ रहा है कि नहीं, और एक बार क्या किया, इससे भी फाइंड करके चेक कर लिया, इसे भी फाइंड करके चेक कर लिया, और इससे भी फाइंड करके चेक कर लिया। ठीक है, तो तीनों केस में मेरे पास क्या आ रहा है, सेम वैल्यू जा रहा है। ठीक है, तो यानी जनरल सॉल्यूशन इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू रहेगा, चाहे इवन रहे चाहे ऑड रहे, इस पर हम पुटअप करके हम जनरल सॉल्यूशन साइन का फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। एग्जांपल इज गिवन दैट फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स फॉर √3 × cosec(x)=2। ठीक है, हम तो अभी साइन का सीखे हैं, कोसेक का नहीं सीखे। ठीक है, लेकिन क्या होता है, साइन क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कोसेक का, यानी 1/cosec = क्या होता है, साइन हो जाता है ना। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग में पहले इसको हम चेंज कर लेंगे साइन में, ये क्या है √3 × cosec(x)= क्या है, 2 है, तो cosec(x)= क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर sin(x)= कितना हो जाएगा, चेंज कर देंगे यहाँ पर, इसका रेसिप्रोकल होता है तो √3/2। ठीक है, अब साइन पर मेरे पास √3/2 किसका आता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, √3/2 क्या होता है, sin 60 डिग्री, यानी sin π/3। ठीक है, तो sin(x)= क्या आ गया, sin π/3, यानी मेरे पास थीटा के केस पर x है और अल्फा के केस पर क्या है, यहाँ पर π/3 है ना।
बस फॉर्मूला को पुटअप कर देंगे। अगर मेरे पास साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू अल्फा। ठीक है, अब वैल्यू पुटअप कर देना थीटा का भी और अल्फा का भी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पर तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू पाई बाई सिक्स। हमको यहाँ पर अल्फा का ही पुटअप करेंगे, ठीक है, क्योंकि थीटा के, ठीक है, थीटा के प्लस पर एक्स है तो एक्स लिख दिया, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू पाई बाई सिक्स। हमको केवल इतना ही लिखना है, हमको बार बार पुट नहीं करना कि एन इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू वन, वो हम समझाने के लिए उसमें बताए थे कि कैसे आया है, ठीक है, डेरिवेशन को। तो हमको यही जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है, तो ये हम तुरंत फाइंड कर सकते हैं किसी का भी, यानी जनरल सॉल्यूशन अब क्या हो गया मेरे पास, आ गया मेरे पास एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू पाई बाई थ्री, वेयर एन इक्वल टू क्या है, एन बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर से, कोई भी इंटीजर है ये। एक अनदर एग्जाम्पल से देखते हैं यहाँ पर, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन टू एक्स इक्वल टू है मेरे पास वन माइनस वन बाई टू, ठीक है, ये निगेटिव केस पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, साइन टू एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस वन बाई टू है, तो वन बाई टू किसका आता है, साइन पाई बाई सिक्स का, साइन थर्टी डिग्री का, तो यहाँ पर साइन माइनस भी है तो माइनस साइन पाई बाई सिक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, माइनस को पहले हम पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है, ये क्या होता है यहाँ पर जो है मेरे पास, ये जो है साइन पाई प्लस पाई बाई सिक्स, ठीक है, ये जो होता है साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है मेरे पास, क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना, देखो पाई प्लस थीटा ये जो है, ये मेरे पास क्या है, पाई प्लस थीटा है ना, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई प्लस थीटा में किस में जा रहा है, सीधा सी बात है थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आया मेरे पास, ऑलरेडी एक माइनस था और एक माइनस आ गया, मतलब क्या हो गया, अगर अगर इस तरह से लिखेंगे तो माइनस हो गया इंटू माइनस साइन पाई बाई सिक्स, तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास माइनस साइन हो गया ना, ये माइनस साइन हो गया, ये पाई प्लस पाई बाई सिक्स इस तरह से आ गया ये, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो गया, ये प्लस साइन पाई प्लस पाई बाई सिक्स, यानी यहाँ पर जो है मेरे पास क्या आ गया, ये वैल्यू, ये जो है साइन टू एक्स का जो वैल्यू आ गया मेरे पास क्या आ गया, फाइनली साइन पाई प्लस पाई बाई सिक्स, और पाई प्लस पाई बाई सिक्स मतलब कितना होगा, सिक्स पाई प्लस पाई, सेवन पाई बाई सिक्स, यानी साइन टू एक्स दैट इज इक्वल टू कितना गया, साइन सेवन पाई बाई सिक्स। ठीक है, मेरे पास टू एक्स पर नहीं है, मेरे पास क्या है, एक्स का वैल्यू पर होना चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, थीटा के प्लस पर क्या है, टू एक्स है, हम फॉर्मूला देख चुके हैं, साइन थीटा इक्वल टू है मेरे पास साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू अल्फा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास थीटा के प्लस पर है और ये क्या है, अल्फा के प्लस पर है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू एक्स इक्वल टू थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू अल्फा के प्लस पर क्या हो जाएगा, सेवन पाई बाई सिक्स, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास एन पाई बाई टू, ये टू इधर आ गया, प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू सेवन पाई बाई, ये सिक्स के साथ टू क्या हो जाएगा, मल्टीपल में आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ट्वेल्व हो गया, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी जनरल सॉल्यूशन जो इसका आ गया, जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स जो आ गया, एन पाई बाई टू इन प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू सेवन पाई बाई ट्वेल्व। ठीक है, वेर एन बिलोंग्स टू क्या है, कोई भी इंटीजर है, वन टू थ्री फोर, हम किसी को भी पुटअप करके हम चेक कर सकते हैं, तो मेरे पास इसका क्या निकल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन, यानी जो भी वैल्यू निकलेगा वो किसका निकलेगा, उसका वैल्यू का, उसका मान कितना होगा, माइनस वन बाई टू ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और आप साइन फंक्शन का आप जनरल सॉल्यूशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो उसके उससे रिलेटेड हम कुछ साम्स आपको देते हैं, ठीक है, उसको कोशिश करें सॉल्व करने का, अगर आप क्लियरली समझ गए होंगे तो आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखें और फिर इसको सॉल्व करने का ट्राई करें, आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम दिए हैं फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू वन बाई रूट टू, तो सबसे पहले देखेंगे वन बाई रूट टू किसका होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको अल्फा ले लेंगे और सॉल्व करेंगे, और फॉर्मूला को लगा देना है, साइन एक्स इक्वल टू है माइनस वन बाई टू है, इसको भी करना है, साइन एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू और साइन एक्स इक्वल टू वन, तो ये सबको सॉल्व करने का कोशिश करें। ठीक है, तो साइन से रिलेटेड इन सम्स को सॉल्व करने के बाद आप अपने बुक से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी साइन का मेरे पास वैल्यू दिया हो उसको भी सॉल्व करने का कोशिश करें, ताकि और भी क्लैरिटी आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉस और टेन फंक्शंस के जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने पर डिस्कस करेंगे।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।